बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज का हमारा लेक्चर है बनुकाबिल एप्टीट्यूड्स के आंसर की के हवाले से। इसमें जो एमसीक्यूज आए थे उसको ज़रा डिस्कस करते हैं कि उसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, और फिर अपना एनालिसिस करेंगे कि इसमें मैंने कौन सा एमसीक्यूज सही किया है और कौन सा गलत, और फिर आप ख़ुद नंबर जो है वो देते चले जाएँ। इसमें एक एमसीक्यूज के नंबर जो है वो दो थे, कुल 50 एमसीक्यूज थे, तो टोटल नंबर वो 100 बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यूज वो मैथ से हैं। होल नंबर आर नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम ऑप्शन ए 1, 10, 0 एंड नल। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो 0 आता है, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं तो वो 0 से ही स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं, द हाईएस्ट नंबर ऑफ फैक्टर डीज टू ऑल गिवन एक्सप्रेशन आर पॉलीनोमियल इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऑप्शन इक्वल, कॉमन, क्लोज, नन ऑफ द अबव। इसमें करेक्ट ऑप्शन वो कॉमन है। नेक्स्ट, अ ट्राइंगल इन विच ऑल थ्री साइड्स एंड ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड ट्राइंगल। ऑप्शन इक्विलेटरल, आइसोस्केल्स, स्केलन, राइट एंगल। इसमें करेक्ट ऑप्शन इक्विलेटरल आता है, क्योंकि एक ऐसा ट्राइंगल जिसके थ्री साइड्स के एंगल बराबर हो तो उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द पॉइंट हैविंग इट्स कोऑर्डिनेट 0, 0 इज कॉल्ड। ऑप्शन है एप्सिसा, ऑर्डिनेट, ओरिजिन एंड क्रिटिकल पॉइंट। इसमें करेक्ट ऑप्शन ओरिजिन आता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज। ऑप्शन 8, 4, 2, 32। इसमें करेक्ट ऑप्शन 4 आता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द फ्रैक्शन 1/10। ऑप्शन है 10, 20, 5 एंड 0.1। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है, 10, उसमें करेक्ट ऑप्शन आता है। नेक्स्ट, व्हाट डिजिट इज इन द 10,000 प्लेस इन 4,75,829। ऑप्शंस हैं 9, 8, 7 एंड 2। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो 7 है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 81। ऑप्शंस हैं 8, 12, 6 एंड 9। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो 9 ही है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं, एरिया ऑफ द स्क्वायर विद लेंथ 4 सेंटीमीटर डैश इज। ऑप्शन ए 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, राउंड 0.475 टू द नियरेस्ट टेंथ। ऑप्शंस है 0.4, 0.7, 0.5 एंड नन ऑफ द अबव। इसमें करेक्ट ऑप्शन 0.5 ही है। नेक्स्ट, ये एमसीक्यूज वो कंप्यूटर से हैं। सीपीयू स्टैंड फॉर, इसमें जो ऑप्शंस हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल परफॉर्मिंग यूनिट, कम्युनिकेशन प्रोसेसर यूनिट एंड ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, माउस इज एन डिवाइस। ये किस तरह का डिवाइस है? ऑप्शंस हैं आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज एंड सॉफ्टवेयर। इसमें ये जो माउस है ये इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, मॉनिटर एज डैश डिवाइस। मॉनिटर किस तरह का डिवाइस है? इनपुट, स्टोरेज, आउटपुट और ऑल ऑफ द अबव। इसमें मॉनिटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, कंप्यूटर आर एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम बाय परफॉर्मिंग बिलियन ऑफ ऑपरेशन पर डैश। ऑप्शंस मिनट और सेकंड डे। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो सेकंड है, क्योंकि एक ही सेकंड के अंदर कंप्यूटर अलॉट ऑफ फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, बिलियन ऑफ ऑपरेशन पर सेकंड में ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है, a set of program that manage and coordinates the hardware of a computer and provide services to application software programmers and user of computer is called dash. Operating system, device, driver, utility software and language processors mein correct option jo hai wo aata hai operating system. MCQs next hain, the type of software that allow user to create and play audio and video media is dash. डेटाबेस सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर एंड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर ही है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंक्लूड। इसमें क्या क्या इंक्लूड हैं? ऑप्शंस हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ द अबव है, क्योंकि पावर पॉइंट भी इसमें इंक्लूड है, एक्सेल भी इंक्लूड है, वर्ड भी इंक्लूड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एक्सेस द इंटरनेट वायरलेसली। कौन से ऑप्शंस इसमें करेक्ट हैं जिसमें हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी यूजिंग ऑफ एनी वायर। इसमें जो ऑप्शंस है
इथरनेट केबल, यूएसबी पोर्ट, वाईफाई एंड ब्लूटूथ। में वाईफाई के जरिए से हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं विदाउट बाय यूजिंग एनी टाइप ऑफ वायर। नेक्स्ट इंसक्यूज है 1 GB इज इक्वल टू, ऑप्शंस है 1000 MB, 100 MB, 10,000 MB इन नॉन ऑफ द अबव। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1000 MB है, यानी ये थोड़ा सा लगभग करीब आते हैं, तकरीबन 1024 के 1 GB बराबर होता है, लेकिन इसमें जो ऑप्शंस है ये करीब ही हैं, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट इंसक्यूज है हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, का फादर कौन है, एलन टर्निंग, चार्ल्स बेक, सैमर क्रे, अगस्टो एडमिंग। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो चार्ल्स बेग ही है, क्योंकि फादर ऑफ कंप्यूटर है वो चार्ल्स बेग। नेक्स्ट इंटरव्यूज है द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इज, माइक्रोसॉफ्ट का फादर कौन है, जिप बेजस, वॉरेन बफ, स्टीव जॉब, बिल गेट्स। इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट का फादर है या फाउंडर है तो वो है बिल गेट्स। नेक्स्ट इंटरव्यूज है वाईफाई द शॉर्ट फॉर्म ऑफ वायरलेस फिल्म, वायरलेस फिक्स्ड, वायरलेस फिडेलिटी एंड नॉन ऑफ द अबव। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है वायरलेस फिडेलिटी, यानी ये जो वाईफाई है ये शॉर्ट फॉर्म है किसका, वायरलेस फिडेलिटी का। नेक्स्ट इंटरव्यूज है अ लैंग्वेज दैट इनेबल यूजर टू एक्सेस और मैनिपुलेट डेटा इज कॉल्ड डैश लैंग्वेज। ऑप्शंस हैं डेटा कंट्रोल, डेटा डेफिनीशन, डेटा मैनिपुलेशन एंड नॉन ऑफ द अबव। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो डेटा मैनिपुलेशन की है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है रैम स्टेन फॉर, ऑप्शंस है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मॉड्यूल, रैंडम एक्वायर्ड मेमोरी इन नॉन ऑफ द अबव। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी का है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हु इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, का फादर कौन है, एलन मस्क, वॉरेन बफेट, जॉन मैकार्थे एंड साउंड पैकी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है पुटिंग फाइल्स टू द सर्वर फ्रॉम द कंप्यूटर इज, ऑप्शंस है डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, ट्रैशिंग एंड ट्रांसफरिंग। इसमें करेक्ट ऑप्शन अपलोडिंग का है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, ऑप्शंस है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू प्रिपेयर प्रेजेंटेशन, के लिए हम कौन से सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शंस है एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेसेस। तो हम पावर पॉइंट को इस्तेमाल करते हैं, इसमें करेक्ट ऑप्शन एमएस पावर पॉइंट का है। नेक्स्ट द नेम ऑफ चैटबॉट ऑन बाय गूगल, जेमिनी, चैट जीपीटी, सेलिया एंड कॉपलाइट। इसमें जो ऑप्शन है वो जेमिनी की का है, क्योंकि जो चैट बोर्ड है गूगल का तो इसको जेमिनी कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जनरेटिव एआई इज यूज्ड फॉर एनालाइजिंग डेटा, जनरेटिंग न्यू कंटेंट और डेटा, ऑटोमेटिंग रिपीट योर टास्क एंड डेटा स्टोरेज। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है जनरेटिंग न्यू कंटेंट और डेटा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रेप्टाइल्स एक्सेप्ट, ये यहाँ से अब साइंस का पोर्शन जो है वो शुरू हो जाता है। ऑप्शंस जो दिए हैं लेजर्ड, पेंजियन, क्रोकोडाइल एंड स्नेक, इसमें ये सारे के सारे जो है पेंजियन के अलावा सारे के सारे रेप्टाइल्स हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन पेंजियन आते हैं, क्योंकि ये एक बर्ड है। नेक्स्ट ए फिश रिस्पायर थ्रू विच ऑर्गन, ऑप्शंस गैल्स, लंग्स, ईयर सेक्स एंड स्किन। तो फिश जो है वो गैल्स को इस्तेमाल करते हैं, इस ऑर्गन को इस्तेमाल करते हैं और इसके ज़रिए से रिस्पायरेशन का प्रोसेस वो करवाते हैं, यानी सांस लेने के अमल के लिए जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन है तो वो गैल्स हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरसेस आर, ऑप्शंस हेपेटाइटिस, फ्लो, पोलियो एंड ऑल ऑफ द अबव। जिसमें ये सारे जितने भी डिजीज हैं ये वायरसेस उसको कॉज करते हैं, इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ द अबव हैं। नेक्स्ट है विच कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन के लिए कौन कौन कंडीशन जो है वो रिक्वायर्ड है, ऑप्शंस है वाटर, सॉइल, एयर एंड डार्कनेस। बी ऑप्शन है एयर, वाटर एंड लाइट। सी ऑप्शन है वाटर, एयर एंड टेम्परेचर। डी ऑप्शन है टेम्परेचर, सॉइल एंड लाइट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है, क्योंकि सी जर्मिनेशन के लिए वाटर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विदाउट वाटर सी जर्मिनेशन नहीं होता, और साथ में ईयर का भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईयर एक्सचेंज जो है बहुत ज़रूरी है, गैसेज एक्सचेंज सी जर्मिनेशन के लिए, और साथ में टेम्परेचर का भी होना वो ज़रूरी है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन जो है वो ठीक है।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, इसमें कौन ग्रीन है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शंस है ऑक्सीजन, मीथेन, ओजोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसमें आप देखें मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड तो है क्योंकि ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें ऑक्सीजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन, मेल्टिंग, इवेपोरेशन एंड फ्रीजिंग। इसमें करेक्ट ऑप्शन मेल्टिंग है क्योंकि सॉलिड स्टेट का लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन इज कॉल्ड मेल्टिंग। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द बाउंसिंग बीक ऑफ लाइट फ्रॉम ए नॉन ट्रांसपेरेंट सर्फिस इज कॉल्ड व्हाट, रिफ्रैक्शन, रेयरफैक्शन एंड रिफ्लेक्शन इन नॉन ऑफ द अबव। इसमें ऑप्शन जो है वो सी टी के हैं क्योंकि बाउंसिंग ऑफ लाइट फ्रॉम ट्रांसपेरेंट सर्फिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, ऑप्शंस हैं मेटल वायर, एयर, वाटर एंड वैक्यूम। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मेटल वायर में मैक्सिमम होता है क्योंकि इसके मालिक्यूल्स या जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन वगैरह होते हैं जिसका जो मैटर होता है इसका, तो वो बहुत ज़्यादा करीब ही होता है, तो इसलिए यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है करंट कैन इजीली पास थ्रू स्टील, पेपर क्लिप्स, ग्लास पेपर क्लिप्स, प्लास्टिक कॉम, वुडन स्पून। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ये स्टील पेपर क्लिप्स है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी वो बहुत आसानी के साथ जो है ये पास हो सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द आउटर शेल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड मेंटल, कोर, एपिसेंटर और क्रस्ट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्रस्ट कहा जाता है क्योंकि जो अर्थ का जो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है जिस पर ये प्लांट्स और ये सारे जो हम रह रहे हैं जो आउटर मोस्ट कवर हैं इसको क्रस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है द हाइट ऑफ K2 इज हाउ, हाइट ऑफ K2 कितना है, इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 8611 मीटर तकरीबन उसकी हाइट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो फैसलाबाद इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुआ था, मार्च 12, 1949, मार्च 12, 1950 एंड मार्च 12, 1956, मार्च 12, 1973। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए मार्च 12, 1949। द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान वॉज, फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन था, ऑप्शंस हैं लियाकत अली खान, नवाब वकारुल मुल्क, मलिक गुलाम मोहम्मद। नेक्स्ट है सिकंदर मिर्जा, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो सिकंदर मिर्जा है, फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज सिकंदर मिर्जा। नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं शहाब नामा इज रिटन बाय, शहाब नामा किसने लिखा था, अल्ताफ गौहर, कुदरतुल्ला शहाब, सरताज अजीज, रुदात खान। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है कुदरतुल्ला शहाब, यानी शहाब नामा किसने लिखा था, कुदरतुल्ला शहाब ने लिखा था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द होली प्रॉफेट पीस बी अपॉन हिम वाइफ हु वाज द डॉटर ऑफ हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो ऑप्शंस है हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत ममूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ट्रेटी ऑफ अल हुदैबिया वाज रिटन बाय हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये जो हुदैबिया का जो ट्रेटी था तो ये किसने लिखा था, ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखा था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच कंट्री इज कॉल्ड लेन ऑफ प्रॉफिट्स, तो सऊदी अरबिया, इराक, सीरिया एंड पलस्टाइन। तो पलस्तीन जो है इसको कहा जाता है लेन ऑफ प्रॉफिट्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हुज्जतुल विदा इज रिटन बाय अबुल हसन अली नदवी, शाहवलीउल्लाह दहलवी, अनवर शाह कश्मीरी, अलामा इकबाल। तो ये शाहवलीउल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा था। द नेम ऑफ द सूरा इट स्टार्ट विदाउट बिस्मिल्लाह इज, ऑप्शंस हैं अल बकरा, अल इखलास, अल नूर, अल तूबा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है सूरह तूबा जो है वो बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू होता है। दोस्तों ये था आज का हमारा डिस्कशन बनुकाबिल एप्टीट्यूड्स के आंसर की के हवाले से। इसमें आपने कितने नंबर हासिल किए हैं वो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें कमेंट बॉक्स में,
कि आपने कितने नंबर हासिल किए हैं। पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि एक एमसीक्यूज़ के दो नंबर्स हैं, तो जितने आपके एमसीक्यूज़ ठीक है निकले तो उसमें आप दो से ज़रब लगा ले, जो जितना नंबर और फिगर आए तो वो आपने इस एमसीक्यूज़ में, इस टेस्ट में आपने हासिल किए हैं। वो हमारे साथ शेयर करें कमेंट बॉक्स में।